क्या पहले जैविक खेती कर रहे हैं उस क्षेत्र में? ठीक है, जैविक खेती हमने हमारे जैसे 2 बीघा 4 बीघा गेहूं खाने के लिए बोते हैं ना, उनमें हम जैविक करे देसी खाद डालते हैं और वैसे ये हरी खाद का काम में लेते हैं। देखिए, जैविक खेती की यदि हमें शुरुआत करनी है तो जहाँ तक प्रयास हो दलहनी फसलों से शुरुआत करें, क्योंकि ये गेहूँ है या दूसरी ऐसी फसल है, इनकी आवश्यकता पोषक तत्वों की अधिक होती है। तो या तो हम कार्बनिक स्तर हमारा 0.3-0.4 तक बनाए पहले जैविक खेती में ऐसी फसलों का मिले, अन्यथा जो गेहूँ की जो आवश्यकता है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसकी पूर्ति हम करेंगे चाहे तो वर्मी कंपोस्ट लें 5 टन प्रति हेक्टेयर, चाहे आप अपना अच्छी सड़ी गोबर की खाद करीबन 15 टन प्रति हेक्टेयर हमें काम में लेनी है, जिससे कि उसकी आवश्यकता पूर्ति हो। इसी तरह बीज उपचार की, जब मैं पहले में दूसरी फसल की बात कर रहा था तो उसमें बीज उपचार आप एजोटोमेक्टर कल्चर से करिए और साथ में PSV कल्चर से करिए, तो आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेंगी। और इनका जो मेरी बहुत अच्छी बात लगी कि हम हमारे खाने के लिए, हम जैविक खेती की बहुत बात करते हैं, हम सप्लायर नहीं बने पहले हम तो खाना सीखे। जैविक खेती जो सरकार की नीति आई वो यही है, पहले हम खाना सीखें फिर हम खिलाना सीखेंगे। तो आप इनकी ये नीति है, मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ कि अपने खाने के लिए शुरुआत करें और करने के लिए अच्छा मात्रा में गोबर की खाद, मैंने कहा 15-20 टन प्रति हेक्टेयर, वर्मी कंपोस्ट यदि उपलब्ध है तो 10 टन प्रति हेक्टेयर, और जो मैंने कहा एजोटोबैक्टर PSV कल्चर, उनसे उपचारित करें और आपकी पूर्ति। और साथ में तरल जैविक खाद आता है, आप बना सकते हैं गोबर के साथ नीम धतूरा आपका जिप्सम आपकी राख उसमें मिला लें, 40 दिन की फसल हो जाए तो 20% हमारा घोल बन गया, उसमें गौमूत्र मिला लिया घोल बन गया, यानी 1 लीटर पानी में 200 ml हमने तरल जैविक खाद मिला दिया और उसमें छिड़काव करें। ऐसे 2 छिड़काव कम से कम आपको करने, आपकी गेहूँ की फसल की पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और गेहूँ की फसल अच्छी आप ले सकते हैं जैविक खेती।